हेलो बच्चों, मधुर श्लोक में आपका स्वागत है। बातारथी आशीर्वाद। आज बच्चों में खाना में क्या बनाने जा रही हो? देखो चावल बन रहा है, वो बन गया है साल चावल में। और तुअर की दाल बनाने में भी मैं मसाला करूँगी, और गलका और आलू की सब्जी, गलका और आलू की सब्जी बनाऊँगी। वो गाजर मैंने सुधार कर रखा है, उसमें मैं मसाला करके दिखाऊंगी मैं, और उसमें बीजा सब में दाल के सब में मसाला में डालने के लिए। वो चावल बन गया है, वो उसमें नमक और हल्दी टमाटर जाएगा, उसमें हरी मिर्ची और टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ी सी अदरक है ना, कूट कर रखी थी वो अदरक डालूंगी। उसमें थोड़ी सी शक्कर डालूंगी, हमें कोई घर पर वे शक्कर डालते हैं, कोई नहीं डालते। तो 10 मिनट में मैं रखूंगी, बहुत अच्छी बनेगी वो, सजो का देंगे मैं। आज मैं मेथी के दाना देती है ना, कच्ची मेथी, वो मैंने डाली है वो उसमें, और जीरा और राई। देखो मैं उसका झोंका दी, तुम्हें दाल है वो मैंने झोंका दिया है। गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी मैं उसमें, बहुत नहीं थोड़ा सा। दाल बन गई है, मैं 10 मिनट रखूंगी उबाल के, 10 मिनट रखूंगी, बहुत अच्छी बन जाएगी 10 मिनट रखकर, मैं मसाला लग जाएगा। हमें गलके की सब्जी बनाने जा रहे हैं, हमें लहसुन की चटनी है ना, वो उसमें डालती हूँ मैं, लहसुन की, नमक, हल्दी, रेड मिर्ची, धनिया पाउडर,
और उसमें टमाटर नींबू डालूंगी। टमाटर और मिर्ची हल्का और बटेटा की सब्जी है वो आलू। वो गाजर का काचा है ना वो मैं इसने ऐसा में सुधार कर रखा है, उसमें मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची और टमाटर, हरी मिर्ची और टमाटर और गाजर। मैंने दो बाल्टी कपड़ा वॉश किया है, दो बाल्टी हाथ से मैंने दो बाल्टी कपड़ा वॉश करके मैं खाना बनाने लोग बनाने आई हूँ। देखो वो उसमें मसाला करूँगी, अब मसाले में आज हवेज रेड मिर्ची, धाणा जीरू, धनिया पाउडर और नमक, उसमें दड़ेली खान जाएगी वो। दड़ेली खांड और लींबू से नया है ना वो, नहीं लींबू तो खास डालना, वो थोड़ी सी अच्छी लगे तो हमें तो डालते हैं। वो लहसुन की चटनी है, वो लहसुन की चटनी मैंने डाली है काचा में। मेरा भतीजा है ना वो इके फैबा, तुम इके के लहसुन की गाजर का काचा बनाओगे ना तो उसमें लहसुन की चटनी डालोगे तो बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा तेल, बस थोड़ा देखो गाजर का काचा वो, उसमें नमक, धाणा जीरू, धनिया पाउडर, नमक, रेड मिर्ची, दड़ेली खांड, पछी लींबु, लसणनी चटनी अने कोथमरी अने थोड़ा सा तेल, अने दड़ेली खांड तो मैं बोली वो, अने थोड़ा सा तेल वो, अने लींबु तो खास डालना, लींबु थोड़ी सी खांड वो तुम डालोगे तो बहुत अच्छा बनेगा। एक बार बनाओगे खाओ बहुत अच्छा बनेगा। देखो और मैं लहसुन की चटनी काचा में नहीं होती पर तुम डालना, अच्छी लगे तो डालना, फर्जियात नहीं है। देखो वो बन गया, वो ठंडा करने रखे तो बहुत मज़ा आता है। गलके की सब्जी है ना वो, गलके की सब्जी बन गई है वो, तुवेदार भी बन गई है वो। हेलो बच्चों, मैंने उसमें तेल का मोयन डाला है, उसमें लोट बांधना, मैंने थोड़ा सा तेल डालती हूँ। बच्चों मेरी कभी जगह से मेरी भूल होती है तो मुझे बता देना, मेरी कभी खाना बनाने में भूल होती है तो मुझे बता देना, मतलब खराब नहीं लगेगा मुझे। देखो वो सेट करके रखूंगी मैं सब्जी, वो गलका और बटका की सब्जी बन गई है। ले रोटी बनाने जा रही हूँ, पड़वारी रोटी बनाती हूँ मैं, पड़वारी रोटी बनाती हूँ, मेरा बच्चों का हुक्म है तो मैंने बनाना तो पड़ेगा। बच्चा तो माँ तो बोलता है कि माँ ऐसे बनाओ, माँ ऐसे बनाओ, तो माँ तो बनाना पड़ेगा। माँ
तीन तरीके से मैं रोटी बनाऊंगी, तीन तरीके से पड़वारी। मेरा बच्चा का हुक्म है ना, तो मैंने स्वीकार करना पड़ेगा बच्चों के लिए। तीन तरीके से मैं बनाऊंगी रोटी। वेलण से मैं थोड़ा बहुत फाड़े से वेलण खाओ तो मन बराबर। उसमें तेल लगाऊंगी, दो तीन तरीके से बनाऊंगी। सीधी कोई भी तुम्हें रोटी, मेरे गांव में, मैं गांव की बात करती हूँ, हमारे गांव में कोई रोटी बनाते हैं, रोटला बनाते हैं ना, तो नानी नानी चांद, नानी नानी चांद की आती है ना, वो कुत्ते के लिए बनाते हैं, वो नानी नानी आवड़ी आवड़ी चांद की आवे। अपनी रोटली सीधी नहीं बनावानी, पहले आवड़ी आवड़ी चांद की बनावानी, पाँच चांद के का साथ डोगी के लिए, पची खाना बनाना, वो कच्चा पक्का वो बनाना पड़ता है। वो देखो वो भी पौड़वारी बनेगी और दूसरी बनाऊंगी मैं, वो बन जाए के बाद। वो भी पौड़वारी बनी है, वो भी पौड़वारी बनी। जो दो पौड़वारी वो ऐसी बनती है, वो दूसरी बनाऊंगी मैं। સ્વામિનારાયણ ના મંદિર માં સારંગપુર, આપણે સારંગપુર છે ને, ત્યાં સારંગપુર માં મારા નણંદોયા, નણંદ ને નણંદોયા મારા લંડનમાં હતા, અત્યારે તો ગુજરી ગયા છે। જો એસે બનાતી હો દેખો, વો અત્યારે તો ગુજરી ગયા, એને મારુતિ યજ્ઞ કર્યો હતો, થોડા સા તેલ મારુતિ યજ્ઞ કર્યો હતો એને સારંગપુરમાં। તો સારંગપુર અમે ગેસ્ટ હાઉસ રાખ્યું હતું, પછી એમ ત્યાં રોકાણ હતા, મારુતિ યજ્ઞ કર્યું હતું ને, એટલે પછી જમવાનું અમારે ત્યાં જ હતું। તો એ લોકોને, એ લોકો રોટલી, આવી જ રોટલી, પોળવારી રોટલી બહુ સરસ બનાવે, અમારું સ્પેશિયલ રસોઈ બની હતી અમારી, એટલી સરસ એને પોળવારી રોટલી બનાવી હતી સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણમાં રોટલી બહુ સરસ બને પોળવારી। જો હવે દૂસરી તરીકે છે બનાવીએ,
तो बहुत अच्छा बना है वो। परोठा ने डिजाइन ऐसी बनती है वो, ऐसा बनाना, तेल में सेक लेना। हमें रोटी बनाई है इसी डिजाइन की बनाई है मैंने। देखो जो पौड़ी जो तीसरा पौड़ा, बहुत कोणी ने दांत वगैरह ना हो नहीं वो भी खा सकते हैं। ऐसी भी रोटी अच्छी लगती है, देखो बन गई ना वो भी पौड़वारी परोठा के तरीके से मैंने बनाई है, वो भी पौड़वारी है, वो दूसरी तरीके से, वो भी पौड़वारी तीसरी तरीके से। वो मेरा बच्चों ये बोला तो मैंने बनाना पड़ेगा, वो बच्चों के लिए तो मैं जिंदा हूँ, उसका सपोर्ट भी मैंने बहुत है। देखो बन गई ना वो पौड़ो। मदर्स लोक में आपका स्वागत है और आशीर्वाद है बा तरफ थी मारा सब्सक्राइबर, मारा व्यूअर्स, मेरे बच्चों सबको बा तरफ से आशीर्वाद। आज बच्चों मैंने खाना में क्या बनाया है देखो, मैंने पौड़वारी रोटी बनाई है, मेरे बच्चों का ऑर्डर है ना, वो मेरा बच्चों है उसके लिए तो मैं बनाऊँगी पौड़वारी रोटी बनाई है। देखो और तुवेर की दाल बनाई और फेरी का रस और जांबू वो तो बाहर से आया है और चावल और आलू और गलका की सब्जी है वो भी मैंने घर पर बनाया है, ग्रीन चटनी वो भी घर पर बनाया है, दोनों घर पर बनाए है और काचा बनाया है गाजर का मैंने। मेरा बच्चों ना ऑर्डर था ना वो मैं बनाया, मेरे बच्चों तो मैं तो बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं मैंने बोल देना मैं बनाऊंगी। वो टमाटर का काचा, वो प्याज गुलका को साथ है ना तो प्याज अच्छा लगता है वो अच्छा। देखो बच्चों मैंने गुजराती काठियावाड़ी साड़ी थाली बनाई है, मेरा खाना कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तुम जी कोई भी तुम्हें बोले कोई बात में आ बनाओगे तो मैं जरूर बनाऊंगी। बाय बच्चों, सब्सक्राइब करवाना ना भूलता।